प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में आंदोलन जीवी वाले बयान पर विपक्षी नेताओं का हमला लगातार जारी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट पर पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना क्योनी जीवी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में #PSU PSB Sale का भी इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्रोनी जीवी है जो देश बेच रहा है, वो #PSU PSB Sale बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसान आंदोलन पर विपक्ष पर निशाना साधा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में एक नई जमात आ गई है जिसका नाम आंदोलन जीवी है। प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी को परिजीवी बताते हुए कहा था कि ये लोग खुद का आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों के आंदोलन में जाकर बैठ जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें आंदोलन जीवी होने पर गर्व है। उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा, मुझे आंदोलन जीवी होने पर गर्व है। सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा आंदोलन जीवी महात्मा गांधी थे। क्रोनी जीवी का क्या मतलब है? क्रोनी शब्द का शाब्दिक अर्थ है मित्र। अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए क्रोनी कैपिटलिस्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का गिरोह जो एक दूसरे का फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। राहुल गांधी के इस ट्वीट का अर्थ निकाला जा सकता है कि वे प्रधानमंत्री पर अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सार्वजनिक उपक्रमों को और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को बेचने का मामला भी उठाया है। क्या है आखिर ये पूरा मामला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में एक नया समुदाय आंदोलन जीवी पैदा हो गया है जो कि हर एक विरोध प्रदर्शनों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम लोग कुछ शब्दों श्रमजीवी और बुद्धिजीवी से बड़े परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हो गई है, आंदोलन जीवी। वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या मजदूरों का आंदोलन हो, ये लोग हर जगह नजर आते हैं। ये पूरी एक टोली है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजती है। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और उनसे राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। वे परिजीवी होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग खासकर पंजाब के सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हुए हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। कुछ लोग उनके लिए जो भाषा बोलते हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत को अस्थिर अशांत करने के लिए कुछ लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्य न्यूज़।